टीम मैंने इसलिए तो बनवाया ताकि आप जो भी काम करेंगे ऑटोमेटिकली मेरे पास आता जाएगा। ये बनाया ना आधा ये अच्छा ये वाला अच्छा मतलब आप चाह रहे हैं इस पे क्लिक पे इमेज चेंज हो लेकिन हो नहीं रहा है ना। अच्छा तो पहली चीज़ तो ये कि आपने इसको कंपोनेंट बनाना है देन वेरिएंट बनाना है देन फिर उसके अंदर आपने काम करना है। चलो चाय ट्राई कर। और ये ऐसे उल्टा पलटी क्यों लगाएं बटन? तब तो यूजर को कंफ्यूज कर रहे हो। पहली चीज़ डिज़ाइन सिस्टम के अंदर हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हमारी इमेजेस का साइज़ सेम है तो जो आपके मास्क ग्राफिक आपने बनाए उनका साइज़ सेम होना चाहिए, मतलब सेम पोजीशन। क्योंकि स्क्रीन के ऊपर हमारी चीज़ें अगर हिलेंगी ना, जैसे मान लो कि आप फ्लिपकार्ट चला रहे हो, आपने नेक्स्ट किया, आपने बैक किया, अब आप ये सोचो कि बींग ए यूज़र की लोगो अगर बार बार ऊपर नीचे हिलता रहे तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। वैसे आपका मुंबई और गोवा आप देख रहे हो दोनों ही डिसलोकेट है। तो डिज़ाइन के अंदर चीज़ें बदलें लेकिन एलिमेंट इस तरह से चेंज हो स्मूथली कि हमें पता ना चले कि नया उसकी जगह पर क्या डेटा पहुंचा है। अभी जब आपका स्लाइड चेंज होगा तो जर्क आएगा इसके अंदर। तो डिज़ाइन सिस्टम में इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि हिलती हुई चीज़ें यूज़र को बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो एग्जैक्ट पोजिशन मैच होनी चाहिए पिक्सल बाई पिक्सल। वन पिक्सल का भी अगर हिलेगा तो बहुत ही ख़राब दिखाई देगा आपका डिज़ाइन। तो यही होती है टेस्टिंग। तो एरर किया, अच्छा किया, सबको सीखने के लिए मिल रहा है, इसलिए कहते हैं काम जरूर करना चाहिए। देखो इतना आउट है हमारा, है ना, सेट करो उसको। आपने क्या इसको भी मास्क कर दिया क्या बटन को? अपने कंपोनेंट बनाया हुआ है ना।
जब बन जाए तो इसको उठा के ड्रैग करके बाहर निकालो और आपने इसके अंदर आना है, प्रोटोटाइप में आना है। तो आपके ना ग्रुप के जो ले ऑर्डर हैं वो थोड़े से गड़बड़ हैं, इनको सही करना पड़ेगा। अब प्रोटोटाइप के अंदर क्या करना है, आपने यहाँ आना है इसके अंदर और इसको इसके साथ कनेक्ट करना है। सॉरी ये तो बैक वाला है ना, उल्टा रखा हो, यहाँ रखो इसको। घर पे ना सोचो मैं वही दिक्कत नहीं होगी। चलो अभी मैंने सिर्फ नेक्स्ट और बैक करके देखा है, एक बार ट्राई करके देखा है। अलाइनमेंट एक बार प्ले करो उसको। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट का डाला हुआ है, ये हमारा नेक्स्ट हो गया, इस पर मैं प्रीवियस का डाला हुआ है, प्रीवियस हो रहा है। हाँ तो ऑटो एनिमेट वगैरह लगा सकते हैं हम लोग उसके लिए। और दूसरा ना इसकी भी पोजीशन हमें करना पड़ेगा। और एक एक ये इशू आ रहा है जो ऊपर वाला है ना, हाँ वो ऊपर ये क्राउजल है, हाँ इसमें लास्ट से दोबारा फर्स्ट पे आना है। अच्छा, तो मैंने करना किया उसकी प्रोटोटाइपिंग बट वो चला नहीं। अच्छा चेक कर लेते हैं प्रोटोटाइप अपने। आपने ऑन ट्रैक लगाया हुआ है ये देखो। ये देखो ना कितने सारे लगा रखे, क्लिक भी है, डिले भी है, ड्रैग भी है। मिक्सिंग हो रखी है। यहाँ देखो एक ही पे दो दो प्रोटोटाइप चल रहे हैं, देखो ड्रैग डिले क्लिक वो भी कह रहा है मिक्स हो रखा सब। मिक्सिंग होगी इसमें बहुत ज़्यादा। देखो सारे प्रोडक्ट एक साथ पकड़ो, डिलीट कर दो ऐसे,
ट्रैक करके सब सेलेक्ट हो जाता है, एक एक करके करोगे टाइम वेस्ट होगा। तो अभी अपने पास कोई प्रोटोटाइप इसमें नहीं है। अब आप क्या चाहते हो कि इससे नेक्स्ट पर ये ऑटोमेटिक आ जाए? नहीं नहीं वो तो हो गया था, लास्ट से बिल्कुल फर्स्ट पे नहीं। कोई नहीं, स्टेप बाय स्टेप कर दें। तो हमने यहाँ से इसको ट्रैक किया, ठीक है, ये हो गया। क्या चाहते हैं, क्लिक पर या ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक। तो यहाँ से डिले चूज कर, ठीक है, कितनी देर में करना चाह रहे हो? जैसे कि 2 सेकंड का टाइम डाल देते हैं, और यहाँ से आप डाल दो स्मार्ट एनिमेट, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग इस पर ये पार्ट डाल देंगे, इससे हम लोग यहाँ डालेंगे, ऑन क्लिक हो गया, चेंज कर देना है। यहाँ तो वही है ना डिले, हो रहा है। और इस वाले में ना ये जो आपने बना रखा है इसमें वर्टिकल वाला को लगेगा, जैसे बूट सक ना वर्टिकल टैब क्लिक करोगे यहाँ पर तो यहाँ चेंज होगा, इस पर क्लिक करोगे यहाँ चेंज होगा, वाला आएगा इसके। हाँ नहीं नहीं वो अभी इमेज लगा के ठीक है, लेकिन बाद में जो इसको प्रॉपर डिज़ाइन करोगे ना, देखो डिज़ाइनिंग जब देखो मैं आपको इमेज पे इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि क्लास में अगर हम लोग एक चीज़ बनाएंगे तो टाइम जाएगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मेन पर्पज है। लेकिन आपने हर एक चीज़ डिज़ाइन करनी बनानी, हर एक चीज़ सेलेक्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने मैजिकल मार्च लिखा हुआ है ना, तो ये सेलेक्टेबल होगा, मतलब कि हम इसको जब डिज़ाइनर को हैंड ओवर करें तो कॉपी कर पाए टेक्स्ट यहाँ से, समझ रहे हो आप? वो होता है लिखा हुआ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो अब ये जैसे अमेजोन का आप देखो यहाँ पर, या मैं फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेता हूँ, तो फ्लिप ये लोग क्या करते हैं, ई कॉमर्स साइट्स होते हैं वो हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग इमेज प्रोसेस करते हैं। एग्जांपल अगर मैं मोबाइल मोड में आता हूँ तो मेरी इमेज डिफरेंट होगी, वो नहीं होगी जो डेस्कटॉप मोड में है। राइट क्लिक है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, इमेज डिफरेंट है। अगर मैं डेस्कटॉप मोड में होऊंगा तो मेरी इमेज डिफरेंट होगी, जैसे यहाँ पर अभी हम लोग ये देख रहे हैं, वैसे तो खैरियाली इमेज में मिलेगी, बट ये हर जगह पर अपनी अलग इमेज लगाते हैं। ये जैसे डेस्कटॉप इमेज का अलग हो गया, ओपन इमेज इन न्यू टैब, अब हम लोग ओपन इमेज इन न्यू टैब, अब हम लोग टैबलेट मोड चेक करते हैं। ठीक है, तो टैबलेट पर आप देख रहे हो वही डेस्कटॉप वाला चल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि आपने मान लो आप इस तरह से लिख दिया, कहाँ गया हमारा फिगमा, नीचे जब ये स्केल डाउन होके मोबाइल मोड में जाएगा ना, तो ये यूज़र पढ़ नहीं पाएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, समझ गए ना, मोबाइल में इसकी रीडेबिलिटी किल हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये टेक्स्ट हमारा सेलेक्टेबल है या फिर मोबाइल के बैनर आप अलग बनाएं, ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसलिए कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करता कि बैनर के साथ टेक्स्ट लिख दो, हमेशा टेक्स्ट सेलेक्टेबल होना चाहिए क्योंकि हम उसके फॉन्ट को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर फ्लिपकार्ट ऐसा ना करे, मान लो अगर मैं इस इमेज की बात कर रहा हूँ, अब ज़रा इसका मोबाइल वर्जन देखते हैं हम लोग, क्या पढ़ पा रही हो टेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, ख़त्म हो गया ना इसका। लेकिन हाँ अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ से जाके चेक करो, पढ़ पा रहे हैं ना, ये है डिफरेंस। तो हमें तो बहुत कुछ समझने की जरूरत है कैसे बनाना है। नहीं मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, होता है तरीका है उसका, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हाँ
बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन जब आप प्रॉपर के प्रोडक्ट डिज़ाइन करोगे, एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे इसको समझो, ये मेरा स्टूडेंट था ईशान, जिसका सबसे पहला यहाँ से प्लेसमेंट हुआ था 2022 में। अब इसका ज़रा यमुना का देखो, जो इसने BSES यमुना के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया, आप यहाँ पे सारे ग्राफिक्स देख रहे हो, इंडिया गेट यहाँ पर वाइड है, चेंज हो गया। अब मैं इसी में इसको अगर छोटा करूँ तो मोबाइल में इस साइज़ को कंपेयर नहीं कर पाएगा ना, यानी कि इसकी विड्थ हाइट जो कम हो जाएगी अगर ये स्केल डाउन होगा। तो जब हम लोग नीचे आते हैं यहाँ पर इसका पूरा डिज़ाइन सिस्टम समझने, नीचे आओ, ये देखो ये होता है हमारा लो फर्टिलिटी। जब भी कोई डिज़ाइन बनता है पहले ग्रे स्केल मोड डिज़ाइन होता है, यानी कि चीज़ें लगानी होती है कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें जाएंगी, ठीक है। ये मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप तीनों का बना हुआ है इसके अंदर। उसके बाद फिर इसमें हम लोग इलस्ट्रेशन आर्टवर्क वगैरह कॉल करना स्टार्ट करते हैं कि विजुअल क्या बन गया आएगा उसका। पता चला तुमने पूरा कलर वलर डिज़ाइन डाल के सब रेडी कर लिया, क्लाइंट ने बोला भाई ये तो मुझे डिफरेंट चाहिए, तुम्हारी मेहनत वेस्ट हो गई, समझ गए ना। तो इसलिए बनता पहले लो फिडेलिटी, देन फिर हम लोग हाई फिडेलिटी की तरफ मूव करते हैं। बनाए, ठीक है। तो इसमें एक आपका फीचर रहता है जिससे हम लोग, जैसे वो था फोटो उसमें XD के अंदर, XD में क्या था रिस्पॉन्सिव वाला हमने एक फीचर देखा था कि हम लोग अगर टैबलेट मोड में जा रहे थे कंपोनेंट का हम लोग मोड बदल दे रहे हैं, मोबाइल मोड में आ रहे हैं तो हम लोग मोड बदल दे रहे हैं, वैसे ही इसके अंदर भी दिया हुआ है, ठीक है। ऑटो लेआउट इसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑटो लेआउट आप समझोगे तो आपका टाइम भी सेव होगा, चीज़ें भी हो पाएंगी। तो यहाँ देखो अब हर जगह पर डिफरेंट है ना, ये पूरा मोबाइल व्यू है इसका, टैबलेट में अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारा ये व्यू चल रहा है, डेस्कटॉप हम लोग देख रहे हैं तुम्हारा डिफरेंट व्यू चल रहा है। इलस्ट्रेशंस कम से कम यूज़ किए गए, अगर हम लोग नीचे डिज़ाइन सिस्टम में देखें, ये इसका पूरा फिग्मा फाइल यहाँ पर लाइव चल रही है, ठीक है, मैकबुक के ऊपर। और ये देखो यहाँ पर इसके क्राउजल्स चल रहे हैं। अब तो ये बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना हमारे लिए, ये क्राउजल्स कैसे बनते हैं, उसी के साथ में डॉट नेविगेशन चेंज हो रहा है अपना। नीचे आइए, ये हमारा फिग्मा वाला पार्ट है। अब जैसे इसके अंदर हम लोग देखें यहाँ पर FAQs वगैरह सब दिए हुए हैं, क्या हमने फंक्शनल बनाया इनको, नहीं बनाया ना, क्योंकि हमारा इसके अंदर पर्पज़ ये था जो हमें टास्क मिला था कि भाई इस वेबसाइट के ऊपर जब यूज़र आए तो वो जो भी इंफॉर्मेटिव पार्ट्स हैं, अब BSES यमुना पे आप जाओगे तो आप क्या ये सब पढ़ोगे, अबाउट अस, टेंडर, न्यूज़ एंड मीडिया, क्या तुम्हारे मतलब का पार्ट है ये? नहीं है। एक कंज्यूमर का पर्पज़ क्या है कि भाई मेरे को दिक्कत हो गई तो मैं इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर दूँ, मुझे सपोर्ट मिल जाए, टोल फ्री नंबर मिल जाए, नियर बाई मुझे ऑफिस मिल जाए। तो डिज़ाइन सिस्टम देख रहे हो वो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं अलग से। कॉल टू एक्शन भाई मुझे बिल पे करना है, फटाफट से मैं बिल पे कर लूँ यहाँ से आके, समझ ना। तो मैंने जब यहाँ पर क्लिक किया मुझे अपना CA नंबर डालना है, उसके बाद मैंने यहाँ से मैं रोबोट नहीं, मुझे ये बताना है आई एम नॉट अ रोबोट, जनरेट बिल करोगे, बिल मुझे दिखाई दे गया, उसके बाद मैंने प्रोसीड कर देना है। अब वहाँ पर आप सोचो कि मैं UPI चूज़ करूँ, UPI के अंदर UPI नंबर डालूँ फिर जाके हो, तो उसका कोई सेंस नहीं है। हमें तो सिस्टम बताना है कि पेमेंट होगी कैसे, ठीक है। तो डिज़ाइन सिस्टम क्या है कि एक वेबसाइट अगर मैंने ऐसा बना दिया कि जिसके अंदर फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ है लेकिन यूज़र फाइंड नहीं कर पा रहा, तो इसमें सोल्यूशन क्या है कि चीज़ों को अलग से हाईलाइट करके रखा हुआ है, ये है सोल्यूशन। इसको कंपनी ने टास्क ही यही दिया, ये इसका टास्क है। इसको इसने जो बनाया था वो भी दिखाता हूँ, इसने बनाया था लक्सर के ऊपर, ये इसका था। तो कंपनी ने इसको एक, भाई कंपनी को ये लगा जिसने इसको दो दिन, ठीक है, हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है, आज के डेट में AI अवेलेबल है, मदद लो, सिखाएंगे आपको कैसे उससे काम करना है। अभी सीधी सी बात है, जहाँ पर जो काम आपका AI ने क्या किया, देखो सीधी सी चीज़ है कि जो काम मेरा 15 दिन का था उसको 2-3 दिन में ख़त्म कर दिया, जहाँ पर लोग महीनों लगा रहे थे वहाँ पर हफ्तों में काम ख़त्म हो रहा है। तो आपको उस चीज़ों को एज ए असिस्टेंट यूज़ करना है ना। अगर आप सोचो कि भाई इतना बड़ा टास्क आपको मिल जाएगा तो तुम तो बॉक्स ही खींचते रह जाओगे एक हफ्ते, तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि करना क्या चीज़ है। तो वेबसाइट रेफरेंस के लिए जो ऑलरेडी वो अवेलेबल है, डेटा वहाँ से हमने कॉपी पेस्ट किया है सारा कुछ, बस हमने अपना सिस्टम दिखाया कि क्या करना है। अब जैसे BSES यमुना पे अगर आप आते हो, अब
क्या इसकी वेबसाइट हमारी वेबसाइट से कहीं तक मैच कर रही है? जरा एक बार देखो। ठीक है, एक पॉपअप के अंदर इतनी दुनियादार की कहानी बढ़ा डाली इन्होंने। कोई पढ़ेगा इसको, वो आएगा सीधे ठक से बंद कर देगा। तुम्हें मेरे को वेबसाइट देखने दो, समझ रहे हो? अब यहाँ पर आप देखोगे जैसे नंबर्स अवेलेबल है, हमने भी यूज़ किया है, लेकिन इन्होंने चीज़ें डाली तो है लेकिन उस तरह से कैची नहीं है। ठीक है, अब मुझे जैसे बिल जमा करना है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस सेक्शन के अंदर, तो यहाँ से माई अकाउंट लॉगिन करो। ठीक है, क्विक विल का इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम यहाँ पर दिया नहीं है, तो यही चीज़ें थोड़ी सी एनालाइज करनी होती है वेबसाइट के अंदर कि क्या है, कैसे, किस तरह से करना है। यहाँ देखो क्राउजल भर भर के लगा रखे हैं, कहते हैं ना शक्तियों का गलत इस्तेमाल। अब इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता भैया, बिजली तो सेल हो गई ना, ऐसा तो है नहीं कि फ्लिपकार्ट दे देगा, तो मेरी मर्जी। अब हाँ, बिजली देने वाले 3-4 लोगों दिल्ली के अंदर तो सोचेंगे, तो पूरी दिल्ली में 2 ही लोग देते हैं, या तो राजधानी या यमुना। हमारे यहाँ यमुना चलता है, साउथ साइड में उधर वो राजधानी चलता है। तो जहाँ आपकी अपनी मोनोपोली है ना, तो वहाँ पर आप जो मर्जी करो। ठीक है, और जहाँ आपका कुछ कॉम्पिटिटर बन जाए तो वहाँ फिर कॉम्पिटिशन आता है, उससे बढ़िया कॉम्पिटिट करो, है ना। तो दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी कौन देता है? और दूसरा कौन है? रिलायंस। ठीक है, भले से BSES का हम लोग नाम सुनते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो आपको मिल रही है वो रिलायंस प्रोवाइड कर रहा है पूरे दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि जब आप डिज़ाइन एक बना के किसी के सामने बैठे हो, जैसे जैसे आप फ्लिपकार्ट का रेप्लिका बनाते हो, तो आपको पूरी फ्लिपकार्ट की कुंडली पता होनी चाहिए कि कब आई और कितने लोगों ने उसको खरीदा, कितने लोगों ने बेचा, क्या इसका वो रहा पूरा रोड मैप आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने बस डिज़ाइन लिया बना दिया बिना रिसर्च। रिसर्च क्या है कि पहले मेरे बारे में जानो फिर उसको बनाओ, तो शायद आप कुछ अच्छा बना पाओ। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग ग्राफिक जब सीखने आते हैं ना, तो हमें डे 1 पे फोटोशॉप खोल के पेन टूल दे दिया जाता है कि लो भी मैंने पेन टूल चला के दिखाया, बनाओ कटआउट। उसका फ़ायदा क्या? कटआउट तब सीख ही लोगे ना निकालना। मुझे तो ये समझना है कि सिस्टम काम करता कैसे। अभी जैसे मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, मैं अभी आपको सॉफ्टवेयर सिखा रहा हूँ, लेकिन इनकी बारीकियों पर हम लोग उतरेंगे अभी बाद में। पहले आप, लेकिन क्या होगा जब मैं कुछ बना रहा हूँ तो आपको ये पता तो ना कि अगर ऐसा कुछ होगा तो कैसे निकलेगा। अब तुम्हें पता है ये कैसे बनेगा भाई। कोडिंग के अंदर तो ड्रॉप डाउन हम लोग लगा लेते हैं, डिस्प्ले नॉन डिस्प्ले ब्लॉक करके चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर तो ओवरले चल रहा है ना सारा कुछ। या फिर आप इसके वेरिएंट बना लो कि मैं इसको क्लिक करूँ तो वेरिएंट 2 हो जाए, उसमें ड्रॉप डाउन खुल जाए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 वेरिएंट बन सकते हैं चीज़ों के। अब आप देखो इस वेबसाइट को और उस वेबसाइट में कितना फ़र्क है। इन्होंने एक बहुत बढ़िया जो चीज़ की BSES वालों ने, वो ये क्या है, इन्होंने एक यहाँ पर चैटबॉट लगाया मिस्टर वाट के नाम से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग वाट में मेजर करते हैं ना, तो उन्होंने मिस्टर वाट के नाम से एक चैटबॉट बनाया हुआ है। ये चैटबॉट इतना अमेजिंग है कि आज की डेट में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन उसके पास है। भाई आप पहले अपना लैंग्वेज चूज़ कर लो, बंदा हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी, इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश, उसके बाद यहाँ पर आपको ये बोलेगा भाई क्या दिक्कत आ रही है बताओ। मीटर से रीडिंग से रिलेटेड है, डुप्लीकेट बिल, रजिस्टर कंप्लेंट्स, आपको स्टेटस चेक करना है, बिल का स्टेटस चेक करना है, स्ट्रीट लाइट की कंप्लेंट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की आपके अप डाउन हो रहे हैं उसके अंदर गलत जा रहे हैं, न्यू कनेक्शन, ब्रांचेज नियर बाई पता करनी है, CHD वर्चुअल कॉल सेंटर, हर चीज़ इन्होंने दे दी। भाई मान लो कि कई बार हमारे घर पे बिल नहीं आया तो मुझे डुप्लीकेट बिल जनरेट करना है, इंस्टेंट विद इन 3 सेकेंड्स आपके पास डुप्लीकेट बिल आ जाएगा। और यहाँ कस्टमर केयर में कॉल करोगे वो तुम्हें 10 मिनट घुमाएंगे, हाँ ये वो सारी चीज़ें तुम्हें मिलेगा नहीं। इनके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। ठीक है, तो BSES का जो हेड ऑफिस है वो है भिकाजी गामा प्लेस साउथ एक्सटेंशन के अंदर। ठीक है, वहाँ पर क्योंकि मेरे बहुत सारे नोन टू जो हैं वो उसमें काम कर रहे हैं और पर्सनली हमने भी कंट्रीब्यूशन किया हुआ है इसके अंदर चैटबॉट के ऊपर, तो ये बड़ी कमाल की चीज़ बनी। इससे इनकी प्रॉब्लम इतनी सॉल्व हो गई, जहाँ पर लोग इनके ऑफिस में खड़े रहते थे ना आए दिन आके, तो क्या करना होता है, बस एक बंदा वहाँ पर बैठाया हुआ है और इस आपका एंट्रेंस का पूरे चैटबॉट के बारे में बताया हुआ है। एक बार बंदा पहुँचा, उसने देखा अच्छा यहाँ से सोल्यूशन मिल सकता है प्रॉब्लम, तो बंदा दोबारा लौट के नहीं आया फिर, क्योंकि भाई जब मेरी सारी प्रॉब्लम का समाधान यहीं से हो रहा है, मुझे अपना खुद का बिल जनरेट करना है वो भी मैं यहीं से कर ले रहा हूँ। आप अपनी फोटो खींचो उसमें अपलोड कर दो,
क्योंकि मेरे को अपना बिल जनरेट करना है। तो अगर मान लो कभी आपका किसी महीने बिल मिस हो गया, हर चीज़ का समाधान है इसके अंदर। तो जब भी आप देखते हो ना कि किसी कस्टमर केयर में जब लोग कॉल वगैरह करते हैं, दिस कॉल मे बी रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पजेज, तो वो क्या है, हम वहाँ से FAQ एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये जनरली लोगों की मेजर प्रॉब्लम है क्या। आज की डेट में ना जाने ऐसे कितने बिजनेस मॉडल बन के तैयार हो गए जहाँ पर बैकेंड में कोई पर्सन ही नहीं है सपोर्ट में, चैटबॉट्स अवेलेबल है। जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज CoinDCX। आज की डेट में अगर आप क्रिप्टो में डील कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आपका कोई फ़ोन नहीं उठाएगा वहाँ से कंपनी से कि कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा जो आपको तसल्ली दे आपके प्रॉब्लम है, चैटबॉट में बताओ, सामने से रिप्लाई उसी के बेसिस पर आएगा और आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन बता के दे देगा। तो इससे क्या हुआ, अगेन जो टेलीकॉलर्स की जरूरत थी खत्म हो गई, कस्टमर सपोर्ट्स खत्म हो गए, और एक चैटबॉट जो होता है अब तो इवन यहाँ तक आपका ये चैटबॉट्स आ गए, जैसे एक ब्लेंड करके एक नया आपका AI इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें क्या है कि मान लो आपके यहाँ पर इतना तगड़ा बिजनेस है कि ना जाने कितनी कॉल्स आती हैं, वो एक बार में 50,000 कॉल्स को AI अकेले हैंडल कर सकता है। सोचो आपके पास पूरी सेल्स फोर्स है, यानी कि अगर कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सो मेनी कॉल्स वहाँ पर आ रही हैं, तो AI ऑटोमेटिकली आपकी कॉल पिक करेगा, आप क्वेश्चन पूछो वो उसका आंसर करेगा, बस हमें उसको मशीन लर्निंग के अंदर डालना है, समझ रहे। तो टेक्नोलॉजी इस लेवल तक पहुँच चुकी है, मैं इंडिया के सिनेरियो बता रहा हूँ, बाहर की भी नहीं। क्योंकि अब से 7-8 साल पहले गुड़गांव के अंदर मैंने जिस कंपनी को विजिट किया था उसके अंदर, अब बिलीव नहीं करोगे, मैंने पहली बार अपनी लाइफ में 3000 TV की रैम देखी जो कि सिर्फ मशीन को सिखाने के लिए लगाई हुई थी, समझ रहे हो। 3000 TV, हम तो 1 TV सोच के 2 TV सोच के खुश हो जाते हैं कि हमारे पास डेटा स्टोरेज है, तो उतना तो उस सिस्टम को चलाने के लिए रैम लगी हुई है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज हैं वो हैंडल कर पाए, उसको नए नए टास्क दिए जा रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहा है खुद से, उसके बाद वो हैंडल कर रहा है चीज़ों को। तो AI उस लेवल पर है, लेकिन साथ साथ कुछ जगहों पर, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लब शायद आपके बैच में बताया था गूगल के बारे में, गूगल वहाँ पर ये कर रहा है कि कंटेंट जो होना चाहिए वो ह्यूमन रिडेबल होना चाहिए, ह्यूमन रिटन होना चाहिए, ना कि मशीन वाला होना चाहिए, क्योंकि उसने अपना एक डिफरेंट AI बना। भाई हर एक को अपनी मार्केट में वैल्यू बनानी है ना, तो मशीन लर्निंग से उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि भाई हम लोग डिफरेंट चीज़ें हैंडल कर पा रहे हैं। भाई एक कॉल को अगर कोई ऑटोमेटेड कॉल अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है, IVR कोई आज से थोड़ी ना, एक ज़माने से IVR आज से थोड़ी ना। जब आप किसी कस्टमर केयर में कॉल करते हो, जब तक आपका रिप्रेजेंटेटिव तक कॉल नहीं पहुंचता, तब तक क्या करता है, IVR तो एंटरटेन करता है, इसके लिए एक दवा, इसके लिए दो दवा, इसके लिए तीन दवा, उसका मतलब क्या है। वो चाहे तो सीधे भी तो कॉल दे सकते हैं, लेकिन उतनी देर में उलझा के क्या होता है, एक बंदा जो बात कर रहा है वो चला गया, दूसरा बंदा आ गया, समझ गए। या वेबसाइट में देखते हो कि जो कैप्चा कोड आता है आई एम नॉट अ रोबोट, उसका मतलब क्या है, उसके दो फायदे होते हैं, एक कोई बॉट ना आ जाए, बॉट मतलब ऑटोमेटेड सिस्टम, दूसरा पर्पज़ ये होता है कि एक बंदा जब तक कैप्चर में उलझा रहता है तब तक मेरी वेबसाइट से एक बंदा जा चुका होता है, तो मेरी वेबसाइट का ट्रैफिक भी हम मेंटेन करके रखते हैं उसी से। अब हम लोग सबको बोलते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा सर्वर तो तगड़ा है नहीं, तो क्या होगा, ना तो उसकी चलेगी ना तुम्हारी चलेगी वेबसाइट, समझ गए। लेकिन उस कंडीशन फिर आती है जैसे अमेजोन जैसी वेबसाइट, गूगल जैसी वेबसाइट की पूरी दुनिया आ जाए एक साथ, तब भी मैं नहीं हैंग होने वाला, क्योंकि मेरा मॉडल है स्केलेबल। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग जीमेल में होते हैं, ठीक है, जीमेल आप सब लोग देखते हो कि जीमेल के जो लिखा था 15 GB है ना, मैं कितना यूज कर रहा हूँ, 997.something GB। ये क्या है, स्केलेबल मॉडल, जितना डेटा देते जाओगे उतना जीमेल अपना बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा वाला जीमेल, अगर मैं प्राइवेट जीमेल की बात करता हूँ, ये प्राइवेट जीमेल है जो जनरली आप लोग यूज करते हो, लिखा रहे है ना, लेकिन इसमें भी एक सिस्टम है कि अगर आप जीमेल को बहुत तरीके से यूज करो, जिस दिन आप 15 पर पहुंचोगे 20 हो जाएगा ऑटोमेटिक, लेकिन 20 का ये नहीं 25 हो जाएगा बाद में, फिर क्या भी खरीदो। तो इसलिए कभी भी अपने जीमेल पर ना फोटो वोटोज अपलोड नहीं करनी चाहिए, ये हमारा प्रोफेशनल है। अब इसका फायदा क्या, जब हमारा एक अकाउंट हम लोग बना के देते हैं किसी नए भी ज्वाइनी को, जैसे मेरा जब कभी बना पहली बार, तो मुझे 10 GB का मिला इसके अंदर कि मैं 10 GB का डेटा रख सकता हूँ, फिर वो बढ़ा के 30 GB कर दिया। लेकिन आज की डेट में पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे ज़्यादा डेटा मैं ही रखता हूँ ड्राइव के अंदर, क्योंकि मैं आपको डेटा शेयर करता हूँ, हर बैच का डेटा है यहाँ पर,
तो इससे हो क्या रहा है कि मैं मान लो जैसे यहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो 10 लोग गूगल ड्राइव का यूज़ नहीं कर रहे, तो उनकी ड्राइव का एक्सेस मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली गूगल को तो मैं 1 TB का पेमेंट कर रहा हूँ ना। तो ये क्या है, स्केलेबल, ऑटोमेटिकली जो यूज़ नहीं कर रहा है गूगल मुझे डेटा वहाँ से ड्राइव का स्पेस देते जाएगा। तो ऐसे होते हैं सर्वर, जैसे ट्रैफिक आता है वो अपना भी रैम ऐड कर लेता है अपने अंदर, और यूज़र आया और उसने अपने आप को बढ़ा लिया, प्रोसेसर बढ़ा लिया। तो जैसे हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर चलाते हैं ना, इसमें एक CPU होता है, जो सर्वर होते हैं जैसे मैं जो कंपनीज के अंदर चला चुका हूँ उसके अंदर चार चार ब्रेन होते हैं, यानी कि 4 CPU एक ही कंप्यूटर में लगे हुए हैं। हम मल्टीटास्किंग करते हैं ना, जैसे बोलते हैं i3 का मतलब यह 3 टास्क साइमल्टेनियसली आप कर सकते हो, i5 5 टास्क आप साइमल्टेनियसली कर सकते हो, 7 7 टास्क आप साइमल्टेनियसली कर सकते हो, i9 9 टास्क आप कर सकते हो। हम तो चला रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं उसका मतलब होता क्या है, पता था इससे पहले? तो चलाए जा रहे हैं, i5 है, i3 i7 है, इसका मतलब ही तो समझो कि करता है क्या। नहीं, वो जनरेशन नहीं होती, जनरेशन हर साल आप, अच्छा ऐसा नहीं कि जब सबसे पहले i3 इंट्रोड्यूस हुआ कि आज i3 नया नहीं आता, i3 जो 13th generation में भी आता है, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब यही होता है कि कितने टास्क आपके कंप्यूटर बेटर वे में हैंडल कर सकता है। अब आज की डेट में अगर आप, जैसे मैं मीट के ऊपर माउस लेके जाता हूँ, ठीक है, या किसी भी उसके टैब के ऊपर आप माउस लेके आओगे, तो उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको ये दिखा देता है कि ये पर्टिकुलर आपका जो पूरा ब्राउजर है कितना रैम कंज्यूम कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए टास्क मैनेजर में आता है, ठीक है, समटाइम्स दिखा देता है समटाइम्स नहीं दिखाता है। तो हमारा क्रोम जो है आप देख सकते हो 47% CPU को यहाँ पर, और ये देख रहे हो यहाँ पर ये जो रैम ये ले रहा है 1200 MB 1300 MB समथिंग की रैम ये कंज्यूम कर रहा है। तो जितने ज़्यादा आप टैब खोलते हो उतना ज़्यादा आपकी रैम कंज्यूम होती जाती है। तो टोटल मेरा कंप्यूटर 66% मेमोरी एंड CPU जो है 51% यूज़ कर रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई जब आप काम करते हो आपका कंप्यूटर 90% तक जा रहा है, तो यानी कि आपको अपने कंप्यूटर में प्रोसेसर अपग्रेड करने की ज़रूरत है। प्रोसेसर वैसे तो आपका क्या होता है, फ्लक्चुअल होता है, आप देख रहे हो कभी 39 हो रहा है कभी 44 हो रहा है, लेकिन मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, वो नियर बाई रहती है, 2-3 नंबर अप डाउन ऊपर नीचे से चलती रहेगी, बट प्रोसेसर में काफ़ी जंप आता है। प्रोसेसर जस्ट लाइक जैसे आप देखते हो जितने भी ये AC वगैरह होते हैं, फ्रिज होते हैं, कंप्रेसर, तो जैसे ही आप माउस मूव करोगे ना तो प्रोसेसर के यूसेस बढ़ जाएंगे, जैसे ही माउस आइडल होगा प्रोसेसर के यूसेस घट जाएंगे। यानी कि जैसे हमारा माउस हिलता है ना, कंप्यूटर का एक सिग्नल जाता है कि भाई आप कोई टास्क परफॉर्म करने वाले, तो वो अपने आप को प्रिपेयर करता है उस टास्क के लिए। देखते हो जब फ्रिज स्टार्ट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी खींचता है और रिलीज कर देता है स्टार्ट हो गया, सेम ऐसे ट्रेडिशनल AC। लेकिन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्यों आई कि कभी भी जर्क ना हो, स्मूथली स्टार्ट स्मूथली एंड, सिंपल। खैर हम लोग डिफरेंट उसमें चले गए, लेकिन चीज़ें समझना ज़रूरी है काम करती कैसे। तो वही चीज़ जैसे अब आप ये प्रोजेक्ट पूरा देख रहे हो, ये पूरा डिज़ाइन हुआ है, तो ये उसकी अपनी खुद की डिज़ाइनिंग है सारा, इसने एक परफ्यूम ब्रांड और ज्वेलरी वगैरह ब्रांड को लेके सारा काम किया है। ये पूरा आपका डिज़ाइन सिस्टम होता है, थ्योरी पढ़ना अभी बाकी है, समझेंगे चीज़ों को कैसे काम करती हैं, और रिसर्च हमारी अभी बची हुई है, अभी तो सिर्फ सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हो आप लोग, परसोना बनाना सीख जाओगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाती है चीज़ें। ये होता है आपका फ्लो चार्ट जो हम लोग फिगजैम के अंदर बनाएंगे, ठीक है। फिगजैम देखते हो तो फिगमा चलाते हो तो उसमें फिगजैम आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, जैसे आपके स्नैरियोज बनाए जाते हैं कि मान लो जैसे कि यूज़र लॉगिन स्क्रीन पर है, तो लॉगिन स्क्रीन से क्या क्या हो सकता है, तो यूज़र लॉगिन से लॉगिन कर सकता है या फिर साइनअप कर सकता है, साइनअप कर रहा है तो वो उसका अगर कंडीशन सही से मीट नहीं कर रहा है, या अगर लॉगिन कर रहा है पासवर्ड गलत डाल रहा है तो क्या होगा, अगर OTP ऑथेंटिकेट हो रहा है अगर रॉन्ग डाला उसने तो क्या होगा, कहाँ जाएगा वापस लौट के। तो आपको पूरे फ्लो बनाने पड़ते हैं हर एक चीज़ के। देन उसके बाद ये आपका लो फिडेलिटी होता है पूरा, जहाँ पर इमेज होगा इमेज के आप इस तरह के ग्राफिक्स डाल के छोड़ दोगे, ठीक है, तो क्लाइंट को पता होगा यहाँ यहाँ पर क्या होगा, ग्राफिक आएगा। जैसे जब हम लोग बूटस्ट्रैप से कोई क्राउजल वगैरह नेट्स उठाते हैं तो ऐसे ही देखते हो ना, कुछ ऐसे ही आते हैं बने प्लेस होल्डर जो होते हैं। फिर उसके बाद में इसके अंदर हाई फिडेलिटी बनना स्टार्ट हो रहा है, डिज़ाइन मॉकअप्स, यहाँ पर इसका पूरा ये फिग्मा फाइल अवेलेबल है, लोड हो जाएगा एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर
आप हर एक चीज़ को दिखाओगे। जैसे एक और बच्चा था हमारा, उसने बनाया था जो गुजरात से स्पेशली आया था सीखने के लिए, उसका भी ऋषि नाम था उसका, तो उसकी भी जॉब लग चुकी है, वो वापस गुजरात ही चला गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर उसको फीस काफ़ी कम मिली थी, तो स्पेशली यहाँ से कोर्स करके गया। ये था तो कंपनी को क्या होता है कि आप कितने भी पोर्टफोलियो बनवा लो, वो आपको एक टास्क जरूर देंगे, भाई आपने कहीं से कॉपी तो नहीं कर रखी चीज़ें, हमें ये पता लगे कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो, कितना जल्दी आप चीज़ें बना के दे सकते हो। या अगर आपने मान लो 25% टास्क बनाया, तो क्या वो आपने सही बनाया या नहीं बनाया, हमें उतने में पता लग जाता है। तो ध्यान रखें जब आप चीज़ें बना रहे हैं, हम अभी सिर्फ प्रोटोटाइपिंग के लिए ग्राफिक्स का यूज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जब आप एक फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे, हर एक चीज़ सेलेक्टेबल होगी, ठीक है। वहाँ पर ग्राफिक को ग्राफिक की तरह लेना है, टेक्स्ट को टेक्स्ट की तरह लेके आना है, जैसे हम लोग फोटोशॉप में पीएसजी टेम्पलेट देखते हैं एज इट इज वैसे। क्यों नहीं होगा मुझे ये बताओ ना, इसलिए तो स्पीड बूस्ट करनी है आपने, अपने डिजाइनिंग की स्पीड बढ़ाओ। डिजाइनिंग की स्पीड अगर नहीं बढ़ाओगे तो डेफिनेटली दिक्कतें आएंगी, आइडियाज नहीं आते। अच्छा कोई नहीं, तो उसी के लिए तो कोर्स ज्वाइन किया है, आइडियाज आने के लिए। तो हम जब आइडियाज पे आएंगे तो अपने आप आइडियाज आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए तो मैंने बोला कि रेप्लिका पे काम करो, क्योंकि अगर आप अभी उन चीजों पर टाइम लगाओगे तो आप सॉफ्टवेयर नहीं समझ पाओगे, क्योंकि फिग्मा XD से बहुत डिफरेंट है, और ये तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक तो, है ना, क्योंकि इसकी प्रोटोटाइपिंग लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है कंपैरेटिवली XD की तो बहुत ही आसान है, सिंपल सीधा सा सीधा, बहुत ही उन्होंने लीनियर वे में बनाया हुआ है। इसके अंदर तो अभी हमने मोड चेंज करना सीखना, जैसे हमने जब XD के अंदर एक बहुत पहले अरीना का जब ऐप बनाया था, और जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करते हैं, जब फिग्मा का अपडेट आया अडोबी के टेक ओवर से पहले, तो बहुत कुछ बदल गया। यानी कि जैसे ट्राई करके देखते हैं वेरिएंट, अगर अगर पॉसिबल होता है तो। श्री आपका वाला वो वर्किंग हो गया, देख लेना अपनी फाइल के अंदर सेव आपके, ठीक है। अगर डिलीट कर दो तो डिलीट ही हो जाएगा, इसलिए कंपोनेंट नहीं। हाँ इसमें आपको कंपोनेंट जब भी आप बनाओगे पेज के बाहर रखना है, तो कंपोनेंट का एक एरिया बना लो कहीं पर कि मुझे सारे कंपोनेंट यहाँ लगाने हैं अपने, रख लो एक एक लाके, और एसेट से उनको आप पुल करके यहाँ पर लेके आते रहोगे, ठीक है। कौन सा आइकन का? फ्लैट आइकन रन कर लेते हैं, ये प्रीपिक के इमेज को लेके आता है, लॉगिन कर लो, ऑथेंटिकेट कर लो, क्लिक ऑन ऑथेंटिकेट, यहाँ से इसको अलाउ करो, कंटिन्यू विद गूगल, यहाँ से अपना अकाउंट दो, लिमिट आपने कुछ पेड वाले यूज कर लिए होंगे ना आइकन, हमेशा फ्री का फिल्टर नहीं, कोई लिमिट नहीं होता, फ्री का कोई लिमिट ही नहीं, पेड वाले तो सर आते ही नहीं है, पेड वाले मिलते हैं दो तीन आपको मिल जाते हैं। जैसे फ्री पिक पर क्या होता है, डेली आपको पहले 10 का होता था, अब 3 ग्राफिक का कर देना, कि डेली आप 3 इमेज डाउनलोड कर सकते हो फ्री पिक से, पहले 10 हो जाती थी डाउनलोड। तो मैं आपको बॉट दे दूंगा, आप बॉट से जितनी मर्जी डाउनलोड कर लेना, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे ना ये एक मैं आपको बॉट दे रहा हूँ, यहाँ पर आप जाओगे फ्री पिक से जो समझ में आए इस पे चले जाओ, कोई भी आप पेड डिजाइन ले लो जिसपे प्रो बना हुआ,
इसका URL हमने लिया। अब जैसे आप इसको डाउनलोड तो कर ही नहीं पाओगे, लिखा ना गो प्रीमियम, लेकिन मुझे इसका फोटोग्राफ चाहिए। अगर जहाँ उसको डाउनलोड कर, उसमें वाटरमार्क आ जाएगा लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आप अपना लिंक पेस्ट करोगे, क्लिक ऑन डाउनलोड करोगे, प्रोसेस करेगा, आगे अपना डाउनलोड कर लेगा। और फोटोशॉप अगर आता है तो फोटोशॉप से धो ही जाता है, वाटर मार्क हटाने का सबसे आसान तरीका, लेयर मोड वगैरह चेंज करो। तो ये अभी हमें एज ए इमेज रिसीव हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमें इमेज ही दे रहा है, क्या बात है। लॉग इन करने के बाद हमें इमेज मिलने का क्या मतलब है। ऑल स्टाइल, ऑल शेप, ये पहले ना फ्लैट आइकन ना फ्री पिक के अंडर में नहीं आता, हो सकता है कि कुछ पॉलिसी बदली हो इसकी। आइकन स्काउट में देखो, आइकन स्काउट से काम नहीं हो रहा, इससे हो जाता है। नहीं हो रहा इससे, ठीक है। जिन पर आपका ये बना रहा है उसको छोड़ देना, बाकी जैसे फ्लिपकार्ट सॉरी फेसबुक है ट्राई करके देखो, तो आपको फ्रेम दिखाई दे रहा है, पूरा वेक्टर है। देखो यहाँ से आप जो कलर चेंज करना चाहें इसका कर सकते हैं, ठीक है। क्या हाँ, इसके अंदर से आपको अगर फ्रेम डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने याद आया इसको डिलीट कर दो, बाद में अपना इस फ्रेम को पेस्ट कर लो चाहिए आगे। देखो फ्रेम के अपने अलग फायदे हैं, जैसे एग्जांपल तौर आपको याद होगा जब हमने ओवरले किया था तो हमने फ्रेम का यूज़ किया था, तो हमने फ्रेम को स्केल डाउन करके छोड़ दिया। तो कहीं जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे फ्रेम के साथ जाना है वहाँ पर आप फ्रेम का यूज़ करो, लेकिन जब हम लोग पूरे डिज़ाइन देखो लाइब्रेरी या असेट्स जब हम लोग यहाँ बनाते हैं इसके अंदर फ्रेम का फ्रेम से बना के रखना है आपने, डायरेक्ट बना के नहीं रखना है अगर किसी को शेयर करना है उस केस में। और अगर आप अपना पूरा डिज़ाइन सिस्टम खुद का अपना बना रहे हो तो आपको फ्रेम की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, आप डायरेक्ट बनाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी आपको कुछ करना पड़े जैसे मान लो कि मैंने इसका देखो कि फ्रेम नहीं बनाया, ठीक है मुझे फ्रेम चाहिए, तो आप यहाँ से क्या करेंगे इसको उठा के एक फ्रेम के अंदर आप रख दोगे, आ गया फ्रेम के अंदर। यहाँ पर आप देखोगे असेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर असेट्स में भी ये नहीं दिखाई दे रहा, जहाँ भी आपको लगाना होगा बस वहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि देखो इसके अंदर बन चुका है, इसकी एक कॉपी लेके आप बाहर रख दोगे। तो ये हो गया मेरा किसी को शेयर करने के लिए, ये हो गया मेरा लोकल कंपनी, समझ रहे। किसी को देना है तो ये फाइल देना है पूरा फ्रेम के साथ उठा के, और अगर अपने लिए यूज़ करें तो अपना लोकल कंपनी, लोकल कंपनी यानी कि आपके पेज के बाहर जो हम लोग रखते हैं वो आपका लोकल कंपनी होता है और ये आपका शेयरेबल कंपनी है, ध्यान रखना। क्या नहीं फिर आपको पूरी फाइल देनी पड़ेगी उठा के, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर देख रहे हो मैकबुक इसके अंदर हमने डाला हुआ अपना, तो अगर आपको यहाँ से देना है तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, आगे कंपनी निकल गई।
ऐसे भी चल सकता है, यहाँ से अगर मैं डिलीट कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मेरा काम कर जाएगा। तो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी रखना चाहे रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों एक साथ नहीं होते, समझ गए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो इसलिए आपने अभी के लिए फटाफट से कोई वेबसाइट इसके अंदर जितना जल्दी पूरा कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैं फिर इसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन वाला स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले भी कंपोनेंट्स हमारे बचते हैं इसके अंदर, मतलब जो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमने भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें बची हैं करने के लिए। और हाँ तो लगा दो, क्या दिक्कत, देखो क्या होता है जब लोग किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। प्लगइन्स हमारे पास एक ऐसा फीचर दिया हुआ है इसमें, जैसे मैं अपना लिस्ट बना जाता हूँ टीम के अंदर, एग्जैक्ट तो नहीं बट हाँ आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा, लेकिन ये मैं जस्ट बता रहा हूँ, लेकिन इसका इस्तेमाल बाद में करना अभी नहीं, नहीं तो वो वाली बात हो जाएगी जैसे कहते हैं ना कि भस्मासुर शिव जी के पास गए, उन्होंने उसको वरदान दे दिया कि भी कर सकते हो, भी काम करता नहीं करता ट्राई करके देखते हैं, तो मेरे पे ट्राई नहीं करना क्योंकि मुझे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जाओ और इसके अंदर जाके प्लगइन, यहाँ पर आपको एक प्लगइन मिल जाएगा, ठीक है, उसका नाम होता है, लिखिए HTML टू डिज़ाइन, ठीक है, इसको जाके ट्राई करना। और ये बहुत पुराना प्लगइन है, इसके पे क्या होता है कि आपको बस जाके अपने पेज का URL पास करना होता है, ऐसे इसको कैंसिल कर दो, ये आ गया अपना, जैसे एप्पल का बाय डिफॉल्ट एग्जांपल ये देगा। अब आप यहाँ देखो व्यूपोर्ट वगैरह आपने क्या रखना है, आपने साइज वगैरह चेंज करना है, सारी चीज़ें आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं https://arenaanimationindia.com, जैसे आपके पास टास्क आया कि भी आपने इसको करना है। यहाँ देखो क्या लिखा रहा है, 10 फ्री इम्पोर्ट्स लेफ्ट रिसेट इन 30 डेज, आप एक महीने में 10 ले सकते हो, तो हिसाब से यूज़ करना, नहीं तो फिर अलग अलग अकाउंट बना लेना, अलग अलग अकाउंट बना के उसके अंदर ट्राई कर लेना, ठीक है, नहीं तो इसका प्रूव आया करना पड़ेगा। तो यहाँ से जाके आपने इसको इम्पोर्ट पर क्लिक करना है, ये डिज़ाइन को फैच करेगा और आपको पूरा डिज़ाइन एज इट इज़ दे देगा, ठीक है। बनके तैयार होगी इधर, इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, ये देखो पूरी वेबसाइट आ गई एज इट इज। अब जरा हम लोग जाके देखते हैं क्या लाइव में भी यही चल रही है कि नहीं, ये देखो है ना, तो आपका टाइम बचेगा। अब इससे क्या फायदा हुआ, मेरे को सारा जो कंटेंट है जो टेक्स्ट है वो समझो सेलेक्टेबल मिल गया इसके अंदर। अब आपको अरेंज ही तो करना है अपने नए डिजाइन के अंदर, तो घंटों का काम मिनटों में चेंज कर लो। उसके बाद अल्टीमेटली आपका जो टास्क है, देखो कंपनी भी क्या, ये प्लगइन्स क्यों बने, ऐसा नहीं कि कंपनी आपसे गधा मजदूरी कराने के लिए आपको बुला रही है, वो चाहती है कि भी आपको हायर करके उनकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो। अब जैसे हमें इस डिज़ाइन सिस्टम में पता है ये फॉन्ट गलत है, इतना छोटा फॉन्ट किसी को भी समझ में आएगा नहीं, बंदा ढूंढता रहेगा भाई क्या कहाँ है किधर है, यहाँ देख रहे हो कितना गलत है, एक तो बैकग्राउंड ऐसा, ऊपर से टेक्स्ट भी लाइट, और लाइट के ऊपर लाइट फॉन्ट, गलत है, एटलीस्ट बड़ा तो करो। और ये तो कम से कम जो वेब का डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है उसको ही ब्रेक किया है इस वेबसाइट के अंदर। यहाँ पर जाके आप फॉन्ट से देखोगे 13, अरे कम से कम 16 होता तो थोड़ा सा दिख तो रहा है, अगर इसके नीचे मैं एक बैकग्राउंड लगा देता यहाँ पर तो कितनी दिक्कत आती। यहाँ जाते हैं, हमने लिखा बैकग्राउंड RGBA, यहाँ जाके हमने लिखा 0.0.0.8 समथिंग, मैंने जैसे यहाँ डाला, अब ये क्या हमने खाली टेक्स्ट के नीचे डाला, बट मैं इस चीज़ को पूरा डालूंगा कहाँ जाके, ये पूरा नेबार फाइंड आउट करूंगा और ये मेरा पूरा नेबार यहाँ है दिया हुआ, इसको मैं टारगेट करूंगा, यहाँ जाके लिखूंगा बैकग्राउंड कलर जहाँ पे लिखा है ट्रांसपेरेंट उसको लिखो RGBA 0.0.0.0. तो कम से कम दिख तो रहा है कि भाई सामने कुछ है वहाँ पर। तो ब्राउज़र के अंदर जो इंस्पेक्ट आपको दिया होता है इसके यही फायदे होते हैं कि एक डिज़ाइनर जो है जो डेवलपर है वो भी इतना करके देख ले भी बेटर क्या लगेगा। अब उसके पास ना तो इसकी कोई कोडिंग वाली फाइल अवेलेबल है ना उसके पास इसकी PSD फाइल अवेलेबल, लेकिन उसको चेंजेस करने तो उसके लिए तो ब्रह्मास्त्र यही बसता है ना नीचे, इधर से आके फटाफट से चेंज करके देख ले।
तो कम से कम सामने वाला ही बंदा कुछ, अब ये मुझे यहाँ पर थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे देखने में, मैं चाहता हूँ कि आई कैची हो, तो यहाँ जाएंगे फॉन्ट साइज हमने 16 लिखा उसका लिखेंगे पिक्सल, फिर हम लोग यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे लिखेंगे फॉन्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, फिर हम लोग जाके लिखेंगे फॉन्ट वेट, यहाँ जाइए लिख दीजिए बोल्ड वगैरह। अब कम से कम नैब बार देखो कितना क्लियर हो गया हमारा, है ना। तो तुम्हें कोडिंग आती है, तुम्हें उसका भी बेनिफिट मिलेगा, तुम्हें एचडी फिग्मा था तुम्हें हमारे पास उसका भी बेनिफिट है, ठीक है, दोनों चीज़ों का आपके पास एडवांटेज अवेलेबल है, इस तरह से करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिग्मा के अंदर कितना इजिली मेरे पास सारी चीज़ें आ गई हैं इसके अंदर। अब ये ऐसा नहीं कि ये सब इमेज हैं क्या है, अगर आप यहाँ जाएंगे तो ये सब आपके पास सेलेक्टेबल इन्फॉर्मेशन है। आपको नया कुछ प्रोटोटाइपिंग करके दिखाना है कि भाई ये फॉर्म ऐसा नहीं, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, सब करा सकते हैं, पूरे इन्फॉर्मेशन आपके पास। तो किसी भी वेबसाइट का आप 2 मिनट में काम कर सकते हैं, और अगर आपके पास लग रहा है कि काम बहुत ज़्यादा है तो आप उसका प्रो खरीद लो अपनी जेब से लगा के, क्या दिक्कत है भाई। सीधे साधे काम तेज़ होगा तो कंपनी भी तो शाबाशी देगी ना कि भाई चलो इस बंदे का अप्रेजल करो, अच्छा काम कर रहा है तो खरीदो चीज़ों को। तो ऐसे एक डिज़ाइन को हम लोग बहुत क्विकली अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। और वेबसाइट के ऊपर आपको टेक्स्ट कॉपी करने का सिस्टम बताइए, या तो अगर फ्रंट एंड पर सेलेक्ट नहीं हो रहा तो कोडिंग से सेलेक्ट कर लो टेक्स्ट को, अगर आप टूल खरीदना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। और रिपीट का तो आपको सिस्टम बताइए, सबसे पहले एक्सडी का यूज़ करना है, जैसे मुझे पता है प्रीत व्यास साउथ एक्सटेंशन ये सब क्या रिपीट ही तो हो रहा है एक तरह से, तो पहले एक बनाओ रिपीट ग्रिड करो, कॉपी एसवीजी पेस्ट एसवीजी इन फिग्मा, अगर फिग्मा में चलाना है ऐसे काम करो तो भी आपका काम जल्दी होगा। लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सा टूल मेरा काम जल्दी कर सकता है। अब जैसे कहने के लिए सारा काम फोटोशॉप ही कर सकता है, तो फिर ऐसा नहीं कि फिर इलस्ट्रेटर का यूज़ ही नहीं है कोई, भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इलस्ट्रेटर जल्दी कर सकता है, इन दोनों से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कोरल जल्दी कर सकता है। तो इसलिए सही टूल आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से किस तरह से काम करना है। देखते ना जैसे घर में एक इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर जब आता है तो उसके बैग में डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं, अब ऐसा तो नहीं हर जगह रिंच ही काम कर देगा, भाई कई जगह छेनी थोड़ा भी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए किस में कहाँ लगाना है, कौन सी चीज़ कौन सा प्लगइन। तो प्लगइन्स कौन कौन से आपके लिए यूजफुल होंगे सब बता दूंगा, वो मेजर नाम। वैसे मैं प्लगइन्स कम यूज़ करता हूँ, उससे क्या होता है कि अगर ज़्यादा शॉर्टकट पे चलेंगे तो हम सॉफ्टवेयर की पावर को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, वो बाद में करो जब पास आउट हो जाए, खूब एक्सप्लोर करो खूब ट्राई करो। मैं यहाँ पर प्लगइन आपको कम से कम लास्ट में बता दूंगा ये चला लूँ, हाँ ठीक है। तो नोटपैड सीखने का आपको फायदा पता ही है, आपकी कोडिंग फिंगर टिप्स पे हो गई सारी चीज़ें। आगे जाके तो आपको इनका यूज़ करना है, ये फिग्मा एक्सडी तो रेयर ही रह जाएंगे, प्रोटो डॉट जैसे कि आईओ होता है, 1 घंटे के अंदर पूरा एप्लीकेशन का फ्लो बन गया तैयार, इसके अंदर सब चीज़ बनी बनाई होती है, ये टाइटल ये सर्च ये बैनर ये होता है टैब बार खत्म, चल यहाँ से प्रोटोटाइप इसको किया वहाँ से उसको किया चलाया स्क्रॉल डाउन सारी चीज़ें होती है। ना ये तो 15 दिन के लिए फ्री होगा, लेकिन कंपनी खरीद के देगी जिसके पास, जब आप एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर काम करोगे तो ऐसा थोड़ी ना कि आप 1 महीने एक कई यूआई यूएक्स बना रहे हो बैठ के, बोलते कि भी खत्म करो दूसरा बनाओ काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। अल्टीमेटली करना क्या है, देखो प्रोटोटाइप ही हमें एक उसको देना होता है डेवलपर को कि भाई ये वेबसाइट या ये एप्लीकेशन इस तरह से फंक्शन करेगी, ठीक है। डिफरेंस समझो, आप लोग ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, आपने इमेजेस नहीं बनाना है, ठीक है, आपने उससे लेके लगाना है। अगर आपको कंपनी जाकर कहते भाई इसके लिए इमेज बनाओ, भी मेरा काम नहीं है, मैं यूआई यूएक्स डिजाइनर हूँ, मुझे चीज़ें दो मैं अरेंज करके दूंगा कहाँ पर कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी, या मैं आपको गाइडलाइन दूंगा कि इस साइज़ का होना चाहिए। पता चला तुम ग्राफिक डिजाइनर बन के वहाँ पर काम कर रहे हो, नहीं तो तुम्हारा कोर्स ग्राफिक डिजाइनर का होता ना टाइटल, उसमें यूआई यूएक्स का मतलब क्या हुआ। लेकिन हमारे लिए जो प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर कि यूआई यूएक्स को ग्राफिक डिजाइनर भी समझा जाता है, तो ये डिफरेंस क्लियर करना है अपने जाके कि भी मुझे ग्राफिक डिजाइनर चाहिए जिसको मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा वो चीज़ें करके दे, और मैं उसको फटाफट से अरेंज करके दूंगा कि किस तरह से चीज़ों को लगाना है, समझे। हाँ कुछ कंपनीज के अंदर क्या होता है, जैसे जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप करना इतना बजट नहीं होता कि वो 10 बंदे हायर करके दे आपको,
और देखो अगर आपको लग रहा है कि आपको चीज़ें थोड़ी बहुत करनी पड़ रही हैं तो आपके स्किल्स ही पॉलिश हो रहे हैं, लेकिन आपको ये बोला जाए कि भाई 2 दिन के अंदर डिज़ाइन ख़त्म कर दो, तो तुम ग्राफिक बनाओगे 2 दिन में या तुम इंटरफेस तैयार करके दोगे 2 दिन के अंदर? तो वहाँ पर क्लियरली अपनी डिमांड रख दो कि एक डिज़ाइनर दे दो मेरे को। जैसे मैंने जनरली जब प्रोडक्शन में काम किया तो मैंने साफ बोला मुझे एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए जो मेरे को वेबसाइट के पेज बना के दे, मैं उसको बताऊंगा मुझे चाहिए क्या। तो हमेशा एक सीनियर वेब डिज़ाइनर डेवलपर को एक जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर दिया जाता है, ठीक है? अच्छा मैं मांगूंगी नहीं तो कंपनी को से पता चलेगा, तुम लगे पड़े मेहनत करने पर कोई फ़ायदा नहीं है। कंपनी ध्यान रखना आपने क्या किया वो मैटर नहीं करता, आपने कितने टाइम में किया ये मैटर करता है। ये चीज़ ध्यान रखना, मार्क माई वर्ड्स, यही तरीका है काम करने का। ये नहीं कि तुम लगे पड़े हो, देखो कहते ना एक बहुत पुरानी कहावत है कि मेहनत गधा करता है, ठीक है? तो ध्यान रखना गधा ही मेहनत करता है, स्मार्ट व्यक्ति स्मार्ट काम करता है। उसको काम निकालना आना चाहिए, कैसे निकालना है हमने मजदूरी नहीं करनी बैठ गए। हमारा डेजिग्नेशन ही इतना रिफाइन है वेबसाइट डिज़ाइनर डेवलपर्स का, एक तो हमसे कोई पंगा नहीं लेता इंडस्ट्री के अंदर, जो कि भाई मेरी बुद्धि को ही मैंने ज़रा सा एक कोमा हिला दिया तुम्हारा लगे रहो, ठीक है? तो डिज़ाइनर डेवलपर से कोई पंगा नहीं करता इसी चक्कर में, क्योंकि उसका काम इतना सेंसिटिव है कि UI UX डिज़ाइनर जब डिज़ाइन बना कर उसको देता है वो सीधे कहता है कि 3 महीने अब मुझसे कोई कुछ कहना मत, इसमें ये डाल दो या वो निकाल दो, अगला अपडेट आएगा तब बात करेंगे, और अगर तुमने मुझसे करवाया तो मैं तुम्हारा 1 महीना बढ़ा दूंगा टाइम। ये सीधी सी बात है, तुम्हारे लिए बोलना आसान है ना, हमें पता है ना कोडिंग के अंदर कितनी चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। अगर हम लोग एज ए स्टैटिक डिज़ाइनर काम कर रहे हैं, डायनामिक वाले होते क्या, चलो उसने जाके एक हेडर में चेंज किया 10 जगह पर अपना आप चेंज हो गया, लेकिन इसमें कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए डेवलपर को एक अलग जोन दिया जाता है कि ये 3 महीने के अंदर तुम्हें टेस्टिंग भी करनी है, डिज़ाइन भी करना है, डेवलप भी करना है। तो इसलिए UI UX को सबसे पहले रखा गया आज की डेट में 2020 के बाद, खासकर हमारी इंडियन इंडस्ट्री के अंदर, कि ताकि जो भी ऑल्ट्रेशन एडिशन टेस्टिंग करनी पहले ही करो, उसके बाद कोई नहीं, फिर अपडेट जब नया बनाएंगे तब देखेंगे, एक बार पहले इसको रिलीज़ कर लेंगे। ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि बनाते जा रहे हैं। ऐसे तो क्या होता है जब आप किसी शॉप पर जाते हो, घर से निकले तो सोच के मैं ये लेने जाऊँगा, लेके कुछ और आते हो हमेशा, क्योंकि हमारी प्रेफरेंस बदल गई 10 ऑप्शन देख के, है ना? तो वैसे ही होता है क्लाइंट जब हम उसको डिज़ाइन देते हो, अरे नहीं मैंने ना किसी वेबसाइट में ऐसे देखा था वैसा लगा दो, ठीक है ना? तो UI UX के टाइप में करा दो बाद में नहीं सर। और हम सीधे सीधे जब प्रोफेशनली काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उसमें लोग लिखते हैं 3 रिव्यूज, ठीक है? उसके बाद जितने आपके आइडियाज आएंगे उतने चार्ज होंगे, तो उसके आइडियाज अपना भी गायब हो जाते हैं, नहीं नहीं सब सही है। और जब उसको आप ये बोलोगे नहीं ना, उसके आइडियाज आते ही रहेंगे और तुम बीइंग अ फ्रेशर लगाते जाओ उसके आइडियाज। उसको सीधे बोल दो सर 3 के बाद में जितने भी आपके आइडियाज होंगे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, मना नहीं कर रहे, लेकिन चार्ज है सर उसका। जैसे हमसे कोई वेबसाइट बनाता है, हम कहते हैं 10 पेज का 20,000 रुपये हमारा चार्ज है, उसका जितना पेज बनवाओगे पर पेज 2,500 रुपये हम लोग चार्ज करेंगे। उसमें अगर फंक्शनैलिटी बढ़वा लोगे तो उसके अलग चार्ज होंगे कि भाई ऐसा कुछ कर दो, उसके अंदर सब्सक्राइब लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। सीधी सी बात है, घोड़ा जहाज से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, है ना? इलेक्ट्रिशियन को तुम घर में बुलाओ, उसको बोलो दीवार में ड्रिल करके दो, वो 20 रुपये पर होल लेगा तुमसे, हो सकता है 30 भी ले ले, क्योंकि तुमने एक छेद कराने के लिए बुलाया तो इतना तो उसका आने जाने में खर्चा हो गया ना, पेट्रोल सस्ता थोड़ी ना। तो जितने आप काम कराते जाओगे उतना वो अपना करता जाएगा। अब आप उसको ये एक मेंटेलिटी क्या होती है घर वालों की, भाई दिहाड़ी तो इतनी चल रही है, अगर उसको दिहाड़ी भी काम करना होता वो तसला फावड़ा लेके ना लगा होता कहीं। लेकिन उसको पता है एक दिन वो 5,000 भी कमा सकता है, 10,000 भी कमा सकता है, क्योंकि उसको अपनी वैल्यू पता है। तो जब एक लेबर को अपनी वैल्यू पता है तो हमें क्यों नहीं पता, ठीक है? तो इसलिए जब आप कोई रेज्यूमे अपना तैयार करोगे ना, तो ये नहीं कि मैं UI UX डिज़ाइनर भी हूँ और मैं कोडिंग भी जानता हूँ ना। अगर कोडिंग की जॉब के लिए जा रहे हो तो कोडिंग लिखना, UI UX मत लिखना उसमें, नहीं तो तुम अगर 15,000 की जॉब मिली या 20,000 की जॉब मिली तुम सारा काम कर रहे होगे, समझ गए? जिस जॉब के लिए अप्लाई करो वही लिखना है। अगर UI की जॉब के लिए जा रहे हो तो UI ही लिखना है, UX का जिक्र नहीं करना हमने। अगर UX के लिए जा रहे हो तो UX का लिखो, UI का जिक्र नहीं करना, नहीं तो क्या होगा आप उतने में मल्टीपल काम कर रहे होगे, समझ गए? जैसे अरीना का बच्चा होता है WIP कोर्स करता है, एनिमेशन प्राइम या VFX प्राइम, 40 सॉफ्टवेयर सीखता है बच्चा, और प्लेसमेंट क्या होती है 15,000 20,000 30,000, वो बेचारा कंपनी सारे सॉफ्टवेयर चला रहे हैं,
नीचे सब खुले पड़े, फिगमा वो आपका प्रीमियर भी खुला हुआ है, आफ्टर इफेक्ट भी खुला है, इधर मैक्स माया भी खुला है, बेचारा लगा पड़े, जिंदगी खराब है उसकी क्यों। लेकिन एक नहीं, अब वही चीज़ है ना कि देखो हम अपनी कंडीशन कब रख सकते हैं, जैसे कि आप किसी कंपनीज में मान लो कि आप पिक जोन से काम करके आ गए, लेकिन अभी आप जब फ्रेशर आपको दुनिया पहचानती नहीं जानती नहीं, तो तुम्हारे लिए क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ करना तो पड़ेगा ना, एक साल का फ्रेशर टैग तो हटाना पड़ेगा ना कैसे भी करके, ये चीज़ है। तो पहला एक साल बड़ा क्रुशियल होता है, और वही साल है आपका जो आपका करियर बनाता है, कि आपने अगर गलत कंपनी चूज़ कर ली, उसने मान लो आपको 40,000 बैठे बैठे सैलरी दे दी, तो तब ऐसे ही ख़त्म हो गए, क्योंकि हम तो कम्फर्ट में आ जाते हैं ना। तो इसलिए पहले इस कुछ सालों में कंफर्ट नहीं ढूंढना, वहाँ देखना कौन ज़्यादा तुम्हें काम करा सकता है, क्योंकि एक साल अगर तुमसे किसी ने बहुत ज़्यादा काम करा तो 4 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि आपके पास अगर 40 प्रोजेक्ट होंगे ना, जब आप किसी नेक्स्ट कंपनी स्विच करोगे, अरे भाई इतना काम किया है, ऑन बोर्ड करो बंदे को, जो मांगे दे दो, ये होता है। तो आपने हर चीज़ को देखना है, कंपनी क्या मुझे नया सिखा रही है या नहीं सिखा रही है, या मेरा काम खाली कट कॉपी पेस्ट का है। काम में कभी भी आसानी नहीं ढूंढना, चैलेंजेस ढूंढना, वो बनाएगा आपको एक बड़ा पर्सन, नहीं तो हम में और बाकी ग्राफिक डिज़ाइनर में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना, एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही आगे जाके यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनता है ऑटोमेटिक, और आप आए हो डायरेक्ट यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनने, तो यानी कि आपके पास ग्राफिक की नॉलेज पहले होनी चाहिए, तभी तो आप ग्राफिक वाले को डील करोगे, भाई ये कलर सिस्टम गलत लगाया तुमने, या फॉन्ट अपने गलत चूज़ किए, अब तुम्हें सिर्फ यूआई यूएक्स आता है लेकिन तुम्हें ग्राफिक की नॉलेज है नहीं कि फॉन्ट साइज़ क्या होगा, उसका गोल्डन रेशियो क्या है, तो तुम गलत ही चला रहे होगे ना, तो तुम किस बात के यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हो, नहीं हो। तो आपके डिज़ाइन ऐसे हो जो एक बार में डिज़ाइन को देखो और देख के बता दें कि भाई कहाँ पर हमारा स्पेसिंग गलत जा रहा है, क्या सिस्टम है, एक एक पिक्सल का आपके आंखों को ऐसे पता चल जाए बिना देखे। तो ये होना चाहिए आपका लेवल, वो कब आएगा, जब आपके बना बना के डिज़ाइन की टेस्टिंग करोगे, उससे पहले नहीं होगा। तो तुम्हें तो कोशिश ये करना है कि कम से कम 3 से 4-5 दिन के अंदर हर हफ्ते आप कोशिश करो एक प्रोजेक्ट जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें वो ख़त्म होना चाहिए। इससे जैसे जैसे बनाते हो कि स्पीड बूस्ट होती जाएगी, और जब स्पीड बूस्ट हो चुकी होगी तब अपने आप आपके काम अच्छे हो जाएंगे। अरे अब जैसे फिग्मा और एक्सडी में फ़ायदा क्या है, आप जो भी काम करते हो क्लाउड पर सेव होता है। अब आप कहीं टास्क में बैठे, अपने फटाक से अपनी आईडी से लॉगिन किया, खींचते जाओ प्लगइन सारे वहाँ से, लगाते जाओ चीज़ें, कलर ही तो चेंज कर लोगे या टेक्स्ट ही तो चेंज करना होगा, टाइम तो सेव हो रहा है ना अपना। यूआई यूएक्स के अंदर ऑलरेडी एक एआई इंट्रोड्यूस हो चुका है, जेनिलिया। जेनिलिया एआई का काम क्या है कि उसको आप प्रॉम्प्ट दो कि आपने क्या बनाना है, और वो आपको उसका पूरा यूआई यूएक्स डिज़ाइन करके दे देगा। हाँ हो गए हैं, लेकिन वो ना अभी उतने बढ़िया आउटपुट आपको नहीं दे रहे, और वो दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक वेबसाइट पर ना डिफरेंट रिक्वायरमेंट हमारी आती है। वो क्या करता है, ये चलो इधर टेक्स्ट डाल दिया, इधर बैनर इमेज लगा दिया, बड़ा ही ऑर्डिनरी सा बना के देता है। अभी ऐसा कुछ बहुत ही वाओ वाले कोई ऐसा एआई नहीं आया है जो आपको वाओ फैक्टर में दे रहा हो चीज़ें बना के, ठीक है। या अगर कोई एक दो आया तो वो अफोर्डेबल नहीं है कंपनी के लिए, ठीक है। भाई इससे अच्छा तो भाई बंदे काम करें, क्योंकि एआई जो आपको बना के देगा फिर उसके अंदर कस्टमाइजेशन करो, उससे अच्छा कि भाई इतना सही है जितना जैसे एचटीएमएल टू डिज़ाइन है, मेरे पास बेस आ गया, फॉन्ट बदलना है, साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है, जो करना है कर लो, उसको ओके करके दे दो कि भाई इसका नेक्स्ट वेरियंट जो होगा अपग्रेडेड वेरियंट ये होना चाहिए, टाइम से हो गया। तो आप लगे पड़े हो कि चीज़ बनाने में, कॉपी करने में, उससे कोई फायदा नहीं। यहाँ से सारी लिस्ट ले लेना, फीचर पीडीएफ, ये पूरा एआई का वो स्टोर, हर दिन न जाने कितने एआई इंट्रोड्यूस होते हैं, वो सब यहाँ पर आते रहते हैं, और ये कई बार अपने नंबर भी दिखा देते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप जाओगे मार्केटिंग, प्रोडक्टिविटी, डिज़ाइन, वीडियो, रिसर्च, किस कैटेगरी में आपको एआई चाहिए, प्रीमियम प्रीमियम सब मिल जाएंगे आपको इसके अंदर, सारे एआई यहाँ पर है, ठीक है। हर एक चीज़ का, चाहे वो ऑडियो से रिलेटेड हो, वीडियो से रिलेटेड हो, सब कुछ दिया हुआ है सर। यहाँ से कैटेगरी पर क्लिक करो, ऑल कैटेगरी, तो आप देख सकते हैं यहाँ से वीडियो के टूल, बिजनेस के टूल, टेक्स्ट जनरेटर, इमेज जनरेटर, ऑटोमेशन, ऑडियो, आर्ट, सब कुछ। वेबसाइट है फ्यूचर मीडिया। एक एक दिन में पता है 2,000-2,000 एआई लॉन्च हो रहे हैं, 2,000-2,000 एआई, लेकिन सब क्या है,
सबका जो बेस है वो कहीं ना कहीं चैट जीपीटी है, वो उन्होंने प्रॉम्प्ट इंजन उसका यूज़ किया हुआ है और बाद में उसके बेसिस पर वो लोग चीज़ों को रिफाइन कर रहे हैं। प्रीमियर का तो सोचो उस लेवल का एआई आ गया कि प्रीमियर खोलो उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है, फुटेज डाल दो एआई ऑटोमेटिकली पूरा फुटेज एडिट कर देगा कहाँ पर क्या इफेक्ट लगाना है, समझे। तो एक तुम्हारा ही फील्ड बचता है जो सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है। इस वक्त तो डेवलपर का फील्ड भी खतरे में, लेकिन डेवलपर कौन से वाले खतरे में आ जाएंगे, जो बिल्कुल बेसिक लेवल पर है, जो एडवांस लेवल पर है उनके लिए कोई रिस्क नहीं है, उनके लिए फायदा है। क्योंकि देखो कोई भी एआई जब आप डिज़ाइन करोगे तो उसका कुछ तो विजुअल होगा, फ्रंट एंड होगा, वो फ्रंट एंड कौन बनाएगा, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, समझ गए ना। तो तुम्हारा तो पहला स्टेप है जिसमें तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं लेनी, तुम्हारा फील्ड एकदम नीट एंड क्लीन है, तो उसको बढ़िया से समझो और उसका एडवांटेज यूज़ करो। डेवलपर जो बड़े लेवल पर है उनको वैसे टेंशन नहीं, क्योंकि वो भैया एक एआई के अगेंस्ट दूसरा ही खड़ा कर सकते हैं, जैसे गूगल ने सारे एआई के अगेंस्ट अपना एआई लगा दिया कि भाई डेटा ले गया होगे, अगर वो मुझे दिख गया तो मैं आपकी रैंक को डाउन कर दूंगा, तो आपस में लड़ मिल के ख़त्म हो जाएंगे यही सारे के दिन, अल्टीमेटली अपना ही दिमाग काम आएगा। और देखो ये ना एक बेटर ट्रूथ है और वो यही है कि टेक्नोलॉजी ने हमेशा हमें डिसएडवांटेज ही दी है। अच्छा मुझे बताओ कि कंप्यूटर के युग से पहले तो ईयर 2000 से पहले, जैसे आप तो खैर तब ये सब की बहुत कम है, मतलब आप अगर देखो 2010 से पहले चश्मा पहनने वाले लोगों की गिनती कितनी कम थी। स्मार्टफोन आया उसने स्पेक्स बढ़ा दिए, ठीक है भाई, सब लगे पड़े स्क्रीन टाइम सबका इतना ज़्यादा है, सबके साथ प्रॉब्लम्स। अच्छा मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं बहुत अर्ली एज में था, दैट टाइम चलते थे वाले मॉनिटर जो होते हैं ना सीआरटी, जिनकी बैक होती थी बड़ी लंबी निकली हुई, जिसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, उसमें रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है। आप देखते हो जब जैसे कोई इलेक्ट्रिक डिस्प्ले जिसके अंदर रेडिएशन होता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जैसे आप जाते हो आप देखते हो हेयर आपके चार्ज हो जाते हैं उसमें जाते हैं, तो वैसे जो अब जैसे एलईडी के अंदर ऐसा नहीं होता, एलईडीज में ऐसा नहीं होता, तो इसके अंदर रेडिएशन कम होता है लेकिन इसका कंट्रास्ट हमारी आँखों को बड़ा हार्म पहुँचाता है, ठीक है। तो उन स्क्रीन से बड़ी दिक्कतें होती थी, फ़ोन अगर चला रहे हो ना हमेशा ना लाइट ऑन करके चलाओ, कभी भी ना बेड पर जाने का फ़ोन तो चलाना ही नहीं है, नहीं तो क्या दिक्कतें आएंगी उसका सीधा सा है, पावर तो लूज़ करोगे, आपके एक्सिस में एरर हो रहा जाएगा, सिलेंड्रिकल एक्सिस होते हैं ना आपके, यानी कि हमारे आँखों में दो तरह के लेंस होते हैं जो इमेज को, एक होता है कि जो इनपुट लेता है, दूसरा जो उसको प्रोसेस करता है, तो वो घूम जाते हैं, ठीक है। तो ये लेट के फ़ोन चलाने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, तो कभी नहीं चलाना, ठीक है। अगर कोई चला रहा है तो उसको मना करो, अगर तुम भी चला रहे हो तो छोड़ दो चला दे, क्योंकि जिस दिन अपनी आई पावर चेक कराने जाओगे कहेगा आँखों में दो दिक्कत है, एक तो पावर गई है जो कि कम हो गई है और दूसरा आपका एक्सेस रोटेट हो गया, तो ये प्रॉब्लम है। तो उससे क्या होता है ना कि चश्मा हटाने के बाद भी आप देख के नहीं चल सकते ढंग से, इतना ब्लर दिखाई देगा। तो फ़ोन तो सबसे बड़ा है, क्योंकि जितना आई कॉन्टैक्ट या चीज़ें क्लोज लेके आओगे उतने ज़्यादा आपको दिक्कतें बढ़ेंगी। हाँ तो इसलिए आप देखते हो मैं हमेशा चेयर को ऐसे करके बिल्कुल सीधे बैठता हूँ, क्यों बैठता हूँ मैं कभी ऐसे बैठता हूँ नहीं, प्रैक्टिस करो क्यों नहीं बैठ पाओगे, जब हमें पता है। देखो हमारे फील्ड में तीन ही चीज़ों की वैल्यू, हमारी बैक स्ट्रेंथ, हमारी फिंगर्स, हमारी आईज, ठीक है, और यही तीनों अगर फिट नहीं तो फिर फायदा कैसे, समझ रहे हो ना। हाँ टाइम का रूटीन बनाना पड़ता है, आप सुबह का अपना रूटीन फिक्स कर लो, भाई रात को मैं कभी भी सोऊं लेकिन मुझे सुबह इस टाइम पर ही उठना है, ये जरूरी है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, रैंडम उठते हो, गलत है ना, क्योंकि आप अपनी बॉडी को गलत ट्रेन कर रहे हो। अपना रूटीन फेस फिक्स करो कि हमें यही करना है, तब दिक्कत नहीं होगी। इसमें फ्रेमर हाँ ये भी वही है, एक तरह का जैसे वो आता है ना आपका क्या बोलते हैं वेब फ्लो, ये भी यही काम करता है।
सेम काम कर रहा है। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको देखो एक बार XD और Figma क्लियर है ना, उसके बाद आप कोई भी सॉफ्टवेयर चला सकते हो, सबके अंदर सेम वही सिस्टम होता है, ठीक है। टूल डिज़ाइनिंग के अंदर XD Figma क्लियर होना चाहिए और आपको HTML CSS क्लियर होना चाहिए, फिर जो मर्जी करा लो। क्योंकि आपको पता है, देखो यहाँ पर देखो कहीं लिखा रहे, देखो फ्लैक्स ग्रिड ब्लॉक, तो मुझे पता है ना। तो अब जैसे आप पहली बार चलाओगे फ्लैक्स क्या काम करता है पता ही नहीं हमें, तो क्या मारोगे फिर उसके अंदर। लेकिन अगर मुझे पता है टेक्निकली फ्लैक्स होता क्या है, तो डिज़ाइन मुझे ऑपरेट करने में कहाँ दिक्कत आएगी, कुछ नहीं। तो उसकी नेट पे थ्योरी देख लो कितनी देर लगनी है उसके अंदर। और वैसे भी आपके पास जो आपके OV के अंदर बुक्स हैं उसमें सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम तो OV खोल के नहीं देखते। अक्षय तो आज आया नहीं था, नवजोत, जानवी, निशा, केशव ऑनलाइन, ऋतिक नहीं है, उमेश, श्रेया, नीलम, मुस्कान, प्रिया। ये सबको बंद कर दिया तो ओवर हो गया, दूसरे बैच का टाइम भी निकल गया ना। हाँ जी, हाँ जी, फ्री, बाय बाय। देखो एक चीज होता है कि जैसे मान लो कि मैं कहीं पर हूँ, ठीक है, मैं किसी को रिकमेंड कर देता हूँ, तो एक रिकमेंडेशन है कि जिसको बोलते हैं जैक, तो एक जैक सिस्टम होता है, वो एक अलग अपना, तो मैं वही तो कह रहा हूँ। तो अच्छा मुझे बताओ कि चेंज क्यों करना पड़ा, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत होगी इसलिए चेंज करना पड़ गया भाई। तो ना देखो, अब मैं जैसे इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं मैंने कितने स्टूडेंट्स को अलग अलग जगह पर रिकमेंड किया हुआ है, काम अच्छा था तो बोलो बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसे अभी मेरा साउथ टेक से एक स्टूडेंट था जिसको मैंने चॉक्स एंड बोर्ड्स कंपनी के अंदर, जिसमें मेरा ऑलरेडी एक स्टूडेंट काम कर रहा है, वहाँ के लिए मैंने रिकमेंड किया, सेलेक्ट हो गया। अमितेश राज जो मेरा साउथ टेक का पास आउट कैंडिडेट है UI UX के अंदर, उसको मैंने रिकमेंड किया ग्रेटर नोएडा के अंदर, उसका सिलेक्शन हो गया वहाँ पर। मेरे दो स्टूडेंट्स और थे जिनको मैंने भारतीय एयरटेल मेन हेड ऑफिस गुड़गांव के अंदर रिकमेंड किया, सिलेक्शन हो गया वहाँ पर। तो एक रिकमेंडेशन, क्योंकि मान लो कि मेरा एक इंडस्ट्री में नाम है, अगर मैं भूमिका को रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है, या मुस्कान को रिकमेंड कर रहा हूँ, तो वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि भाई वो मेरा रिगार्ड ऐसे रहता है कि कल को पहले कभी मैंने उनके लिए बहुत अच्छे काम करके दिए हुए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि कई बार बहुत सारे ऐसे कंपनी के अंदर आपको रिलेशन बिल्ड करने पड़ते हैं जहाँ पर आप चार्ज नहीं करते हो, लेकिन उसका फ्यूचर में आप बहुत अच्छा यूज़ कर पाते हो। तो अपने ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी भी कंपनी से आप नाखुश हो उसको ना कभी बैड टर्म पे छोड़ के मत जाओ, हमेशा अपने एंड से, चाहे कंपनी ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, अपनी तरफ से एंडिंग अच्छी करके जाओ। कंपनी हमेशा उस चीज़ का ध्यान रखेगी कि भाई हम गलत हैं, लेकिन अगर आप बदतमीज़ के साथ बदतमीजी करके जाओगे ना, तो तुम्हें तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप में उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो हमेशा अपना लेवल अप रखो, ताकि सामने वाला आपको हमेशा याद रखे भाई एक बंदा आया था, हमने ऐसा किया, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल निकला। तो लोग आपको अच्छे के लिए याद करें, आपके बुरे के लिए याद ना करें। तो हमेशा पढ़ाई लिखाई हम लोग क्यों करते हैं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। लेकिन अगर आप बाहर आज की डेट में एग्जांपल देखो क्या है, पढ़ लिख के सब बेवकूफ़ घूम रहे रोड पर, बड़ी बड़ी लोग गाड़ियाँ लेके घूम रहे, एक स्कूटी वाला टकरा जाता है उसके साथ, माँ बहन की गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई तुमने इंश्योरेंस क्यों कराया था, उतनी अकल नहीं है जिसमें कंपनी अपने आपको भी कवर कर रही, थर्ड पार्टी को भी कवर कर रही है, तो उसका मतलब क्या होता है। लेकिन इसे कहते हैं पढ़े लिखे जाहिल गंवार, कि जिसमें हमें रूल्स रेगुलेशन नहीं पता, लेकिन हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो लोगों का ये माइंडसेट है कि भाई मान लो एक बाइक वाले ने मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी, उससे पैसे ले लूँगा, जाके फ्री में क्लेम भी ले लूँगा, चार पैसे आ जाएंगे। तो ये माइंडसेट है। तो पढ़ाई का सही इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि गलत इस्तेमाल। कौन सी मुझे पता नहीं, मैं एक बार रिसर्च कर लूँगा एक बार उसके बारे में। देखो किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले ना, उसके ना आप पूरा हिस्ट्री ज़रूर देखो,
ठीक है, कंपनी कब स्टैब्लिश हुई है, और उसके रिव्यू ज़रूर फाइंड आउट करने की कोशिश करो क्या उनके रिव्यूज़ हैं। आज के डेट में रिव्यूज़ भी होते हैं, बॉट्स होते हैं। जैसे मान लो कि भाई आप चार लोग से मैंने बोला कि भाई आपका मेरे साथ अच्छा लिंक है, भाई मेरे लिए अच्छा फीडबैक डाल दो, आपने डाल दिया। ठीक है, अब चार लोग जो हैं जिनका अच्छा नहीं है, जैसे कि उमेश, ऋतिक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना, तो ऐसे भी होते हैं रिव्यूज़। तो आप पहले ये देखो जेन्युइन, क्योंकि एक अच्छा ब्रांड वही होता है जिसके लिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। अगर किसी के बारे में सिर्फ अच्छा ही सुनने के लिए मिल रहा है तो वो इंसान सही नहीं है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कोई अगर ये बोले, और जैसे मेरे जनरली केस में, साउथ एक्स में एक कैंडिडेट स्टूडेंट था, उसने मेरे लिए बड़ा अमेजिंग फीडबैक दिया। क्या बोला कि अरीना में किसी से पढ़ लेना, अभिषेक सर से मत पढ़ना। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई कोई तो ऐसा जो भाई सब मेरे बारे में बुरा बोलता है, तो होना चाहिए। सीरियसली उसको समझ ही नहीं आया, तो उसको बाकी लोग, जैसे बैच के तो बाकी स्टूडेंट्स हैं, तो वो अग्रेसिव हो गए, भाई तू ये क्या बोल रहा है। मैंने कहा भाई उसका अपना ओपिनियन है, उसको बोलने दो। जब हमारे हाथों में पांच उंगली बाप रही, तो कैसे कह सकते क्लास के 10 लोग आपके लिए अच्छा बोलेंगे, नहीं हो सकता। तो मेरे को तो मज़ा आता है सुन के ऐसी चीज़ें, कुछ अलग होना चाहिए। वेलकम। ऑडियो चेक कीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हम में से कितने लोग हैं भूमिका, दर्शना, प्रिंस? डी ड्राइव से चले, सी ड्राइव से, वीएस कोड में देखना है। फॉर्म चल रहा था, इसी को कंटिन्यू करते हैं अभी। टुडे इज, सॉरी, एक न्यू फोल्डर बना लें। पीएचपी फॉर्म, सी ड्राइव से चल रहा है, तो जैम्प में आएंगे।
हम लोग सीख रहे थे फॉर्म एलिमेंट, जहां पर हम लोग कुछ सिक्योरिटी के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। फॉर्म एलिमेंट एक बार देखते हैं, साउथ एक्स में अगर हमने इससे आगे किया होगा तो वो वहां से ले लेते हैं। फाइल में आगे कंटिन्यू करते हैं, ये अपना रो है यहाँ पर। Assume we have the following form in a page named, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जो ये फॉर्म था इसमें हम लोगों ने यूज किया था अपना इस तरह से, ठीक है। पेज बना लूँ और उसको यहाँ पर हम लोग कॉल कर देते हैं। एग्जाम्पल वन डॉट PHP. और यहां पर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, फॉर्म टाइप, और फॉर्म के अंदर आप जो एक्शन है वहां पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP एको, और इसमें जाके आप लिखेंगे यहां से डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, और यहाँ से आप लिखेंगे PHP self. PHP self क्या करता है ये हम लोग अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं, हमारे सबमिटेड रिजल्ट को ये सेम पेज पर हमें रिटर्न कर देता है। और हम सेम पेज पे अगर इसको बना लें फ्रेश नेक्स्ट, नाउ इफ अ यूजर एंटर्स द नॉर्मल URL इन द एड्रेस बार लाइक, कॉपी कर लेते हैं और यहां लाके कॉल कर लेते हैं HTTP लोकल होस्ट, और इसके अंदर हमारी फाइल का नेम है द फॉर्म एलिमेंट डॉट PHP जो फाइल को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। द अबव कोड विल बी ट्रांसलेटेड टू लाइन, का मतलब हुआ कि आपकी जो फाइल है उसमें आपका जो एक्शन URL है PHP सेल्फ से क्या बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो PHP सेल्फ का काम ये होता है, यानी कि सेम पेज पर आपका जो जो भी सबमिटेड रिस्पॉन्स होता है वो रिटर्न होता है।
However, consider that a user enters the following URL. In the address bar, और ये हम लोग इसके बाहर लिखेंगे इस तरह से। तो मान लो जो भी हमारा पेज का नेम है, अगर यूजर इसके आगे स्लैश, जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस किया था कि यहाँ पर यूजर हमें कैसे कर सकता है, जैसे हमने डिफाइन किया था, ये देखिए, इफ PHP self is used in your page, then a user can enter a slash and then some cross-site scripting command to execute. तो हम यहाँ पर कुछ try करके देखेंगे कि क्या हमारा code काम कर सकता है। जैसे हमने लिखा p, हमारी website का URL complete, हमने इसको किया copy और यहाँ लिख देते हैं कोड और हमने इसको यहाँ पर क्लोज कर देना है। तो इसके आगे स्लैश लगा के क्या लिखना होगा, आप यहाँ लिखेंगे जैसे कि स्लैश, यहाँ पर लिखा जाएगा परसेंटेज 2020 परसेंटेज 3E परसेंटेज 3C। इससे क्या बनेगा, आपका स्लैश लगाने के बाद में जो लेस देन वगैरह का हमारा रहता है, इसका तो आप यहाँ लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग, फिर आप लिखेंगे परसेंट 3E। तो ये हमारा पूरा एक स्क्रिप्ट का ओपनिंग टैग बन गया। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, अगर हमें कोई अलर्ट प्रॉम्प्ट करना है, लाइक हमने लिखा हैक्ड, और उसके बाद में आप इसको क्लोज कर देंगे, लिखेंगे परसेंटेज 3C स्लैश स्क्रिप्ट टैग परसेंटेज 3E। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमने कुछ लिखा URL में तो क्या होगा, इस फॉर्म के बाद का जो पार्ट होगा वो आपका एक स्क्रिप्ट टैग आपने रेंडर कर दिया इसके अंदर। तो ज़रा ट्राई करके देखते हैं इसको URL में हमें क्या दिखाता है। In this case, the above code will be translated. Good morning. Copy करेंगे यहाँ से form मेथड, पोस्ट और यहां पर भी आएगा और यहां पर भी आएगा मेथड पोस्ट। हाँ जी, तो क्या बनेगा इससे, आउटकम आपका निकल के आएगा स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के अंदर आपका अलर्ट, यहाँ पर ये रिटर्न होगा आपको इसके अंदर फॉर्म टैग को हटा दीजिए। तो ये कोड इस तरह से कोई भी हैकर स्पैमर आपको उसमें चला सकता है। तो हम ट्राई करके देखते हैं क्या हमें ऐसा कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा रहा है हैक्ड ऑलरेडी, जो कि ये मेरा यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है। मैं इसको फिलहाल कमेंट रख लेता हूँ और मैं अपने URL में स्लैश के बाद वाला प्रोसेस ट्राई करके देखता हूँ। हमने यहाँ से किया कॉपी, ऊपर आएंगे, यहाँ लिखेंगे आके स्लैश पेस्ट एंटर, क्या लिखा रहा है URL में आप देख सकते हो, हमारा ये स्क्रिप्ट है बन गया इसके हेल्प से। ठीक है,
हमें इसलिए रिटर्न हो रहा है। तो कोई भी एंड यूजर आपके वेबसाइट के अंदर बहुत इजीली इस तरह से कोड डाल के पेनिट्रेट कर सकता है, कुछ भी मैसेज वगैरह पास करा सकता है। दिस कोड एड्स अ स्क्रिप्ट टैग एंड एन अलर्ट कमांड। And when the page load, the JavaScript code will be executed. The user will see an alert box. This is just a simple harmless example how the PHP self variable can be exploited. Be aware of that any JavaScript code can be added inside the script tag. Ampersand LT, ampersand GT. जैसे मैंने भी अलर्ट चलाया तो हो सकता है कि मैं किसी सबमिटेड डेटा को रिस्पॉन्स भी करा सकता हूँ। अ हैकर कैन रिडायरेक्ट द यूजर टू अ फाइल ऑन अनदर सर्वर एंड दैट फाइल कैन होल्ड malicious code that can alter the global variable or submit the form to another address to save the user data, for example next how to avoid php dollar underscore server php self exploits. तो इसके लिए हम लोग html special characters का use करेंगे इसमें। तो यहां बनाइए एक और नया row dot column h2 how to avoid dollar underscore server php underscore self exploits. Dollar underscore server php underscore self
exploits can be avoided by using the HTML special characters function. The form code should look like this. P tag, और earlier हम लोगों ने इसका एक example बनाया हुआ है, इस तरह से basically हमने इसको use करना है. The HTML special character function convert special character to HTML entities. ये हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया हुआ है. अगर हम यहाँ देखें तो हमने यहाँ कहीं इसका जिक्र किया था. Now, if the user tries to exploit the PHP self variable, it will result in the following output. अपनी लाइन कॉपी करेंगे. कॉपी मैं इसका सीधा आउटपुट कम लिख देता हूं कि कैसा ये आपको बेसिकली दिखाई देने वाला है. तो यहां पर जो हमारा एक्शन होगा वो हमारा बन जाएगा slash. यहाँ पर जो हम लोग स्लैश लगा रहे थे वो बन जाएगा आपका इस तरह से कोट एम परसेंट कोट. यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एम परसेंट जी टी ग्रेटर देन एम परसेंट एल टी ग्रेट लेस देन स्क्रिप्ट एम परसेंट जी टी. फिर हमारा आएगा अलर्ट. अलर्ट में हमारा आएगा लिखा हुआ जैसे कि हैक्ड. सिंगल कोट में से डालना है क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो हम लोग लिख रहे हैं वो डबल कोट में चल रहा है. नेक्स्ट एम परसेंट एल टी लेस देन स्लैश क्लोजिंग ऑफ टैग स्क्रिप्ट एम परसेंट जी टी ग्रेटर देन और ये आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा. तो अब HTML स्पेशल करेक्टर ने क्या करा, आपके उस टैग को इस तरह से कन्वर्ट कर दिया. तो क्या होगा कि जहां पर पहले मेरा एज इट इज ये रेंडर हुआ था अब ये रेंडर इस फॉर्म में होगा. इससे क्या होगा, आपको कोई एरर वगैरह नहीं आएगा. और ये जो एग्जाम्पल हमने ट्राई किया है द एक्सप्लॉइट अटेम्प्ट फेल्स एंड नो जावास्क्रिप्ट अलर्ट आर शोन.
फाइल पे आप ट्राई कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1.php HTML, यहाँ पर इस कोड को हम लोग रखेंगे, यहाँ पर हमारा PHP self वाला कोड आएगा। कॉपी, एग्जाम्पल 1 में आएंगे, पेस्ट, और यहाँ पर HTML special character, ये सब कुछ as it is रहेगा। फाइल को सेव करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये हमारी फाइल यहाँ ओपन हो गई है, इसमें हमें लिखना है एग्जाम्पल 1.php, ये अपनी फाइल है। और यहाँ से इस फाइल के अंदर हम इस कोड को ट्राई करेंगे, हमने किया कॉपी, यहाँ लिखेंगे पेस्ट, स्लैश, एंटर। तो आप देख सकते हो आपका ये बना, लेकिन इसने कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं किया इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि आपका जो कोड था वो HTML स्पेशल कैरेक्टर में रिप्लेस हो गया। लेकिन अगर हम लोग इस फाइल पर ट्राई करेंगे तो आपको हैक आएगा रिटर्न। तो अभी इसको डिटेल में समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से HTML स्पेशल कैरेक्टर को हटा देते हैं, वापस से ट्राई करेंगे, पेज को रीलोड करेंगे। नाउ एज यू कैन सी यहां पर आपको रिटर्न आ रहा है पेज हैक। तो ये होता है आपका डिफरेंस। मेथड जो यहां पर है आपका वो आप यहां रखिए, कंट्रोल एस, पेज को रीलोड, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए। वापस इसको पहले जैसा बनाएंगे, HTML स्पेशल कैरेक्टर, पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो देखो हमारा एरर सॉल्व हो गया। अब हम लोग यहां पर वैलिडेशन ट्राई करके देखेंगे। वैलिडेट फॉर्म डेटा विद पीएचपी। द फर्स्ट थिंग we will do is to pass all variable through php html special character function, when we use the HTML special character function, then if a user tries to submit the
following in a text field, ठीक है, तो भी आपका ये काम नहीं करेगा। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं स्क्रिप्ट टैग, हमें यहाँ पे लिखा लोकेशन डॉट एच आर ई एफ, हमने यहाँ के लिख दिया सिंगल कोट में https://www.xyz.com, ठीक है, और यहाँ से हमारा स्क्रिप्ट टैग बंद हो गया इसमें, तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम लिखेंगे दिस वुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज इट वुड बी सेव्ड एज एच टी एम एल एस्केप्ड कोड लाइक दिस। सो ampersand less than script tag ampersand greater than location dot href, ये आपका as it is रहेगा। फिर इसकी क्लोजिंग इस तरह से, द कोड इज नाउ सेव टू बी डिस्प्लेड ऑन अ पेज और इनसाइड एन ईमेल। ठीक है जी, तो ये सिक्योरिटी प्रोसीजर थे जो बेसिकली हमने अपनी वेबसाइट में फॉलो करने हैं। चलिए, मेरा एक ऊपर इवेंट है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो अवेलेबल होना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।